बोल बोल। तुम घर में नहीं हो माँ के सामने, फिर ये घूंघट क्यों? वो थानेदार साहब, ये जगह बहुत अजीब सी है ना, इसीलिए। और यहाँ पे ना वो दारू की बहुत बास आ रही थी। अच्छा हाँ, इसीलिए। वॉशरूम यूज कर लिया? नहीं, और सब ये जगह इतनी अजीब है तो यहाँ का वॉशरूम भी पता नहीं कैसा होगा। मैं कॉलेज जाके चली जाऊंगी। चलो चलो। कभी कभी ना मुझे तुम पर बहुत शक होता है बुलबुल। शक? शक कैसा शक? कभी कभी तुम्हारी इन हरकतों पे मुझे बहुत शक होता है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिमाग का स्क्रू निकल कर कभी किसी रेगिस्तान में गिर गया होगा, इस बात का शक होता है। बढ़िया से आ गए हमारे को। अब जल्दी चलिए, वरना प्रोफेसर मैम है ना, वो हमारे को बाहर निकाल देंगे और फिर हमारे को रोना पड़ जाएगा अगर मैं लेट हो गई। चलिए। थैंक यू खाटू श्याम जी, आज आपने हम दोनों को बचा लिया। लेकिन वर्णिका, अगर ऐसे ही हमें बचे रहना है ना, तो सबसे पहले उस फोन को ठिकाने लगाना होगा। यस, बट चाची, हमारे पास सिर्फ अवि का फोन है, लैपटॉप नहीं है हमारे पास। एस पर चाचू, अवि का लैपटॉप रूम में भी नहीं था। अगर वो लैपटॉप पुलिस को भी नहीं मिला तो आखिर ये लैपटॉप है कहाँ? पत्रकार साहब, जरा इधर आइए। क्या हो गया? आइए तो सही। क्या हो गया भाई? ये याद है आपको? ये हार तो वही है ना जो हमारी मासा ने तने दिया था। हाँ। और ऐसे वैसे ना दिया था। दिन रात एक करके, कड़ी मेहनत करके, उनका दिल जीत के तब जाके कमाया था तूने ये हार। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने पत्रकार साहब। सच में मासा का दिल जीतना बहुत मुश्किल था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरा दिल जीतना बहुत मुश्किल था बुलबुल के लिए। लेकिन बुलबुल ने आखिर मेरा दिल जीत ही लिया। अब मुझे लगता है कि इस घर की इज्जत मान सब बुलबुल अच्छे से संभाल के रखेगी। तो सोच रही हूँ कि संयम के ब्याह के बाद ये हार मैं बुलबुल को दे दूँ। आपका फरमान तो सर आंखों पर। एक और बार सर टकरा ले थाने। अभी क्या बोला आपने? ऐसा मैं ना, मतलब मारी जुबान थी, लेकिन ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि एक बार सर टकराए तो दोबारा टकरा लेना चाहिए। इसीलिए सींग आ जाती है सींग। या फिर झगड़ा हो जाता है। लिस्ट जी। ये लीजिए आपका घूंघट, फंसा था ये इधर। होयो कहीं? आ रही हूं। ये लीजिए। शुक्रिया। ध्रुव, काजल, पूजा, किंजल, ये क्या है? ये आधे अधूरे नाम क्यों? और नाम के साथ एड्रेस, बाकी चीजें? अब देखिए, जो है यही है, लेकिन अगर आपको कुछ और चाहिए जी। शुक्रिया।
ये देखता हूँ आखिरी फोन किसको लगाया हुआ है। ये तो किसी सरजी को लगाया हुआ है। उनको फोन करूंगा ना तो मालूम चल जाएगा कि इसका असली मालिक कौन है। इन्होंने फोन चालू कर दिया तो ताले दरवाजे को पता चल जाएगा लोकेशन के बारे में। और ये सरजी कौन है? क्या विनाश इनके साथ मिलकर लड़कियों को अपने स्कैम का शिकार बना रहा था? हेलो, कौन हो तुम और ये फोन तुम्हारे पास कैसे आया? सर जी, आपका नंबर इस मोबाइल में सर जी के नाम से सेव है। अगर आप इसके मालिक को जानते हैं तो इसको ले लीजिए और उनको दे दीजिएगा। एक काम करो, अपना नाम और एड्रेस दो, मैं अभी आके कलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ हाँ, आप एड्रेस लिख लीजिए। हाँ बोलो। तेरे की ये तो फिर से बंद हो गया। अविनाश, अविनाश, उठो अविनाश। अविनाश कौन आया था यहाँ पे? सर जी, तूने यहाँ पे किसी लड़की को बुलाया था? मैंने कहा था ना, जब तक ये रिया का किस्सा ठंडा नहीं होता हमें शांत रहना है। पक्का उसी लड़की ने ये सब किया होगा जो लास्ट में आई होगी। प्लीज मुझे यहाँ से निकलना होगा, तो मैं भी एक्सपोज हो जाऊंगा। अभी सर जी, मुझे बचा लीजिए। अभी मैं तुम्हारा प्रिंसिपल हूँ, कोई पीटी टीचर दे के कंधे पे डाल के ले जाऊंगा। अभी छोड़ प्लीज सर जी, अभी छोड़। ये तो मर गया। क्यों लग रहा है कि ये सरजी का अविनाश के कारनामों में कोई गहरा ताल्लुक है? हमारे को पता लगाना होगा कि आखिर ये है कौन। लोकेशन तो यहीं तक की दिखा रहा है, अब यहां से कहां जाऊं? ये हैप्पी सिंह जी का है? ऐसे तो यहीं टहलते रहते हैं, कहां चले गए? पीर जाएगा तभी तो हैप्पी सिंह आएगा। पुलपुल क्या? हुँ? क्या आपने कुछ कहा ना? नहीं, शायद तुम्हारे कान बजने लगे आजकल बुलबुल। हाँ? पता नहीं, ये सब छोड़िए, आप यही रुकिए, मैं अभी उस हैप्पी सिंह को बुला कर लाती हूँ, ठीक है? अब थोड़ा जल्दी, मुझे थाने जाना। हाँ, लेकर आती हूँ। कहाँ है ये हैप्पी सिंह सर? हमारी गुड़की डेली। हाँ, हमारी गुड़ की डेली। कैसी है हमारी लाडो, ठीक है ना तू? हाँ, मैं तो हमेशा से ठीक हूँ। अच्छा सुन, थारी सासू माँ ने कल के लिए अचार भिजवाने को कहा है, मैंने भिजवा दिया है। अरे वाह, आपके हाथ का अचार खा के तो सब एकदम खुश हो जाएंगे। खुश तो मैं हूँ लाडो, थारे सासरे का प्यार देखकर। मारे को तो यकीन ही ना हो रहा है कि वो थारे को पढ़ने दे रहे। उनसे ज्यादा गर्व तो मारे को थारे पे है, जिसका पढ़ाई में बिल्कुल दिल ना था वो दिल लगा पढ़ाई कर रही है। वो तो बात है। अब अच्छा अच्छा, हमारी गुड़ की डेली सुनो, मैं ना थोड़ा कॉलेज में हूँ तो मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। ओ मेरी गल तो सुनो, रुको जी। तुसी मैनू मिस तो नहीं कर रहे सी? आई मीन मेरी क्लास नू, है जी? थानेदार साहब को लेके आई हूँ बच्चू, जब वो आपके दांत तोड़ेंगे ना तो उन्हीं दांतों को मिस करना। अच्छा हुआ हमारे को यही मिल गए। अब हमारे को ना आपको किसी से मिलाना है। मिलवाना है जी? हाँ जी। आज जी? हाँ अभी। हाँ जी। कॉलेज में? हाँ जी। तो चलो जी। चलो किधर? इधर। अरे जी, अच्छा लेडी स्वस्थ जी, आ जाओ। अरे आइए आइए। हाँ जी हाँ जी, हम देख के चलो जी। अरे थानेदार साहब कहाँ चले गए? ओ कम ऑन बाबू, तुम्हारे थानेदार साहब और हैप्पी सिंह एक दूसरे के सामने नहीं आ सकते। पर वैसे जी, ये अपने मास्टर साहब को कोने में लेकर आना doesn't look nice ना, है?
हैं, और देखा जाए तो अब आपकी मैरिज भी हो चुकी है। मैं थानेदार साहब, आप इतनी देर रात अपनी आवाज अपने फोन में रिकॉर्ड करके ऐसे कमरे में रखकर कहाँ गई थी तुम? वो मैंने वर्णिका को वादा किया था कि अगर वो हमारी कॉलेज के प्रोजेक्ट में मदद करेगी ना तो मैं उसे आइसक्रीम खिलाऊंगी। वहीं गई थी। कहाँ आइसक्रीम? वो दुकान बंद हो गई तो मिली ही नहीं। तो बंद ही होगी ना, और आइसक्रीम खाने का इतना मन था तो वायु को कह देती, वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देता, या मुझे कह देती, या फिर इतना भी क्या जरूरी था, बुलबुल सुबह ले आती, इतनी देर रात बाहर जाने की क्या जरूरत थी, तुम्हें कुछ हो जाता तो इस डर से क्या लड़कियां बाहर ही ना निकले? कोई लड़कों को क्यों नहीं समझाता कि वो लड़कियों के साथ तमीज से रहे ताकि जब उनका मन करे वो बाहर निकल सके, चाहे वो दिन हो या फिर रात। बुलबुल ये जो तुम बात कह रही हो ना ठीक है, इसे तुम समझती हो, मैं भी समझता, लेकिन तुम नहीं जानती बाहर क्या चल रहा है। ऐसे 100,000 केस ना मेरे थाने में रोज दर्ज होते, इसलिए मैं जितना कह रहा हूँ ना तुमसे फिलहाल के लिए उतना सुनो। नहीं थानेदार साहब, हर बार लड़कियों को ये क्यों कहा जाता है जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं होती। बुलबुल ये समाज ऐसे ही चलता है, और खुदा ना खास्ता अगर तुमसे कोई गलती हो गई या कुछ और चीज होगी, कोई नहीं ये मानेगा कि समाज का प्रॉब्लम था या समाज की गलती थी, सब लोग तुम्हें ही दोष देंगे। और बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, तुम्हारी सोच से आ रहा है, मेरी सोच से आ रहा है, लेकिन फिलहाल हमें समाज के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो या मैं क्या सोचता हूँ, धीरे धीरे होगा बुलबुल, इट डजंट मैटर कि हम दोनों क्या सोचते हैं इस बारे में। एक आइसक्रीम क्या लेने चली गई, इतनी बड़ी गलती हो गई हमारे से? बुलबुल तुम मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। ये सरजी कोई मामूली आदमी नहीं है, बहुत बच के रहना पड़ेगा इनसे। और वर्णिका पहले से इतनी परेशान थी, और थानेदार साहब ने इतना कुछ बोल दिया।